दोस्तों आपको बता दें कि अर्थ का हार्ट कहे जाने वाले अमेजन रेनफ्रोस्ट में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अभी तक विज्ञान पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। अमेजन फॉरेस्ट में पेड़ों की लाखों प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से पेड़ों की प्रजाति कुछ नॉर्मल होते हैं तो कुछ काफी जहरीली होती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि यहाँ मिलने वाले कुछ पौधों को नाम तक नहीं दिया गया है। इस फॉरेस्ट में एक ऐसा भी पेड़ पाया जाता है जिसे वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। आपने कभी किसी फिल्मों में देखा होगा कि पेड़ अचानक से चलने लगते हैं। आपको बता दें कि पेड़ सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि सच में चलते हैं। वैज्ञानिक खोज के आधार पर कहा कि अमेज़न के कुछ पेड़ चलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ सन की दिशा की ओर चलते हैं। पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। इस वजह से इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि अमेज़न में इंसानों को जानवरों का मांस खाने वाला पौधा भी पाया जाता है। इसको मांस खाने वाला पौधा भी कहा जाता है, तो कई लोग इसे आदमखोर पेड़ भी कहते हैं। ये अपने पास आने वाले छोटे मोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाता है। इसी तरह अमेज़न का पानी भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ का पानी भी उबलता हुआ नजर आता है। वैज्ञानिक इसे बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं। आपको बता दें, इस नदी का तापमान 70 से 100 डिग्री के आसपास रहता है। इस नदी को भी अमेज़न नदी की तरह खतरनाक माना गया है। अभी तक ये पानी क्यों कैसे उबलता है, ये बात अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। आपको बता दें, अर्थ पर कहीं नहीं मिलने वाला सांप अमेज़न जंगलों में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एनाकोंडा स्नेक की लंबाई 30 फीट तक होती है, लेकिन 1906 में वैज्ञानिक अमेज़न के जंगलों में खोज करते समय 70 फीट का सांप देखा था। इसी तरह खोज करने गए अन्य वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 70 से 75 फीट का सांप देखा है। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले चीते भी काफी खतरनाक होती है। आपको बता दें कि लाल चीते किसी इंसान को एक बार काट ले तो गोली लगने पर जितना दर्द होता है उतना ही दर्द इसके काटने पर भी होता है। इस एंट के काटने पर 6 से 7 दिन तक दर्द रहता है। इस अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसी मकड़ी पाई जाती है जो हमारे घरों में पाए जाने वाली मकड़ी से काफी खतरनाक और बड़ी होती है। फॉरेस्ट में 6 फीट से भी बड़ी मकड़ी पाई जाती है। इस फॉरेस्ट में ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिन्हें कभी भी नहीं देखा गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।